हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अकाउंट करेंट चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें एक मेथड था इंटरेस्ट मेथड, उसे हम लोगों ने समझा था और काफी इजी था। जैसा कि लास्ट क्लास में लोगों ने बात किया था कि इस चैप्टर में हम लोग को चार मेथड्स पढ़ने हैं। क्या क्या? इंटरेस्ट मेथड हम लोग, हाँ, दूसरा प्रोडक्ट मेथड, तीसरा प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड, चौथा रेड इंक मेथड। बोले हाँ, आज हम लोग का सेकेंड क्लास है और हम लोग लास्ट क्लास में इंटरेस्ट मेथड सीख चुके थे। उस पर एक ही एग्जाम्पल था हम लोग के बुक में, इलस्ट्रेशन नंबर वन, उसको सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? प्रोडक्ट मेथड। क्या ये भी सेम टू सेम वैसे ही बनता है जैसे इंटरेस्ट मेथड में अकाउंट करेंट का फॉर्मेट था? हम बोले हाँ, सेम वैसे ही बनता है, वैसे ही सोचना है। बस डिफरेंस क्या है कि इंटरेस्ट मेथड में हम लोग हर ट्रांजेक्शन का इंटरेस्ट इंडिविजुअली अकेले अकेले निकालते थे। प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन का नहीं निकलेगा, उसका प्रोडक्ट निकलेगा और फिर उस प्रोडक्ट का जो बैलेंस बनेगा उसके ऊपर इंटरेस्ट निकलेगा। सर समझे नहीं? हम बोले बता रहे, क्लास 12th याद करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का एक तरीका था कि सर आप इंटरेस्ट हर कैपिटल जितना बार पैसा लगाते हैं उसका आप हर बार इंटरेस्ट निकालिए। हम बोले हाँ। और याद करो दूसरा मेथड भी था, प्रोडक्ट मेथड, जिसमें तुम क्या करते थे, लिखते थे डेट, अमाउंट, मंथ और प्रोडक्ट, फिर मंथ और अमाउंट को मल्टीप्लाई करते थे तो क्या मिलता था? प्रोडक्ट। हम बोले हाँ, डिक्टो सेम टू सेम वही काम यहां करेंगे। क्या करना है? जब हम अमाउंट लिख लेंगे, डेज लिख लेंगे, तो सर इंटरेस्ट नहीं निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट कैसे निकालते थे? हम बोले सर अमाउंट और डेज को यहां मल्टीप्लाई कीजिए। क्लास 12th याद करो कि हाँ सर, वहां भी प्रोडक्ट मेथड था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में था, तो वहां पे मंथ होते थे, तो हम बोले सर वहां पे अमाउंट इंटू मंथ करते थे, यहां पे डेज होते हैं तो यहां पे क्या करेंगे? हम बोले सर यहां पे अमाउंट इंटू डेज करेंगे। डेज कैसे निकालते हैं पहला क्लास में ऑलरेडी सीखे हुए, उस पर कोई चर्चा नहीं करने वाले हम लोग। फिर क्या करेंगे? सर जब आप डेज और अमाउंट को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उससे जो निकलेगा वो इंटरेस्ट नहीं है, वो क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कॉलम में लिख देंगे। फिर फाइनली जैसे हम लोग फर्स्ट क्लास में कर रहे थे कि सर इंटरेस्ट का बैलेंस निकलता था, तो यहां प्रोडक्ट का बैलेंस निकलेगा। जो प्रोडक्ट का बैलेंस निकलेगा उस पे हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और याद करो 12 इंटरेस्ट कैसे निकालते थे, प्रोडक्ट इनटू रेट बाय 100 इनटू 1 बाय 12। 1 बाय 12 क्यों? क्योंकि सर वहां मंथ होता था, एक साल में 12 महीना, इसलिए 1 डिवाइड बाय 12। यहां पे डेज है तो क्या यहां भी तरीका वही? हम बोले हाँ, प्रोडक्ट इनटू रेट बाय 100 इनटू 1 बाय 365। 1 बाय 12 थोड़ी, या तो डेज में ले रहे हैं तो सर एक साल में 365 दिन, या फिर क्वेश्चन अगर कुछ और बता देगा एक साल में कितना दिन तो फिर क्वेश्चन का बात मानेंगे। जनरली कितना लेते हैं? एक साल में 365 डेज, बात ठीक। तो सर इसे बनाना क्या रहेगा? हम बोले बनाना वही है, अकाउंट करेंट फॉर्मेट भी वही रहेगा, बस जहां इंटरेस्ट लिखते थे वहां हम क्या लिख देंगे? प्रोडक्ट। अच्छा, यहां प्रोडक्ट लिख देना है? हम बोले हाँ, प्रोडक्ट लिख देना। फिर जैसे हम लोग सीखे थे कि सर पहले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लेंगे सारा, हम बोले हाँ। फिर उसके बाद सर ड्यू डेट, डेज और प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? हम बोले सर अमाउंट इनटू डेज प्रोडक्ट। जब दोनों साइड का सारा कॉलम भर जाएगा उसके बाद प्रोडक्ट को बैलेंस करेंगे। याद करो इंटरेस्ट को बैलेंस करते थे, लिखते थे ना बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट, अब लिखेंगे बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। अगर मेरा डेबिट साइड, जो डेबिट का साइड है, उस साइड का प्रोडक्ट का पैसा अधिक होगा तो ऑफकोर्स बैलेंस किधर आएगा? क्रेडिट में। सर बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट जितना पैसा आएगा वो लिख देंगे। जो प्रोडक्ट का बैलेंस आएगा उस पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो यहां लिखते थे याद है, अगर मेरा बैलेंस इधर आया है तो इंटरेस्ट इधर लिखेंगे, टू इंटरेस्ट कितना? हम बोले जो बैलेंस लाएंगे प्रोडक्ट का उस पैसा पर इंटू रेट बाय 100 इंटू 1 बाय 365। क्लियर हो रहा है बात?
कि सर ये तो डिक्टो इंटरेस्ट मेथड की तरह ही है। बोले हाँ, बस आप हर ट्रांजेक्शन का इंटरेस्ट नहीं निकाल रहे हैं, आप प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। कैसे? डेज और अमाउंट को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट के कॉलम में लिख देंगे। हम बोले हाँ यही करना होगा। उसके बाद सबसे पहले क्या निकालेंगे सर? दोनों साइड में जो साइड बड़ा होगा उसके उल्टे साइड में आएगा बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। हम बोले हाँ, जो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आएगा, अगर मेरा डेबिट साइड अधिक पैसा होगा प्रोडक्ट का तो मेरा बैलेंस कहां आएगा प्रोडक्ट का? क्रेडिट साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं सर बैलेंस सीडी है। हम बोले बाबू इंटरेस्ट का जो प्रोडक्ट है उसका बैलेंस सीडी नहीं निकालेंगे, उसका क्या निकालेंगे? बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। दिमाग में रख सकते हैं कि हाँ सर ये बैलेंस सीडी की तरह ही है। हम बोले हाँ, कैसे निकलेगा? हम बोले कुछ नहीं, अगर डेबिट साइड बड़ा है तो उसका पैसा से क्रेडिट साइड घटा दीजिएगा तो बैलेंस निकल जाएगा। जो बैलेंस निकलेगा प्रोडक्ट का उस पे क्या देना रहेगा? इंटरेस्ट। अगर मेरा बैलेंस क्रेडिट साइड आया है तो उस पे इंटरेस्ट कहां देंगे? डेबिट साइड, जैसे वैसे जैसे उसमें कर रहे थे। टू इंटरेस्ट कहां लिखेंगे? अमाउंट के कॉलम में। पैसा कितना? पैसा जो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट लाए होंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट बाय 100 से इंटू 1/365। और अगर क्वेश्चन बोलेगा एक साल में 360 दिन, तो सर एक साल में 360 होगा तो 1/360। बात समझ में आता है मेरा? फिर उस पैसा को लिख देंगे और फाइनली क्या निकल जाएगा? अमाउंट का बैलेंस सीडी। एग्जांपल लेंगे और जो इलिस्ट्रेशन है वो हम लोग लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। बुक में चार क्वेश्चन है, इलिस्ट्रेशन नंबर 2, इलिस्ट्रेशन नंबर 3, इलिस्ट्रेशन नंबर 4 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। चार क्वेश्चन है, हम लोग चारों बनाएंगे और एक जैसा ही बनता है। चलिए पहले हम लोग क्या बनाएंगे? इलिस्ट्रेशन नंबर 2। आओ पढ़े इलिस्ट्रेशन नंबर 2 लिखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द अकाउंट करेंट टू बी रेंडर्ड बाय मिस्टर सिंह टू मिस्टर पॉल। मिस्टर सिंह जो अकाउंट करेंट बना रहा है, मतलब इन द बुक्स ऑफ मिस्टर सिंह बनेगा। किसका अकाउंट बनाना है? मिस्टर पॉल का। बोले सर मिस्टर पॉल का अकाउंट आप बनाइएगा। हम बोले ठीक। कब तक के लिए? एज ऑन 31st August 2016, 31 अगस्त 2016 तक का। इंटरेस्ट टू बी मस्ट बी कैलकुलेटेड एट द रेट 10%। इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम। वन ईयर इज इक्वल टू 365 डे। एक साल में कितना दिन है? 365। उसके बाद कुछ ट्रांजेक्शन दिए गए। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मेट बनाएंगे। आइए फॉर्मेट शुरू करें। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रोडक्ट मेथड। बोले ठीक। इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में बना रहे हैं? बोले सर मिस्टर सिंह। कैसे लिखते थे? मिस्टर पॉल इन करेंट अकाउंट विथ मिस्टर सिंह। इंटरेस्ट कब तक के लिए देना है? सर 31st अगस्त 2016। कितने रेट से? 10% पर एनम। ये फॉर्मेटिंग था लिखने का। जनरली हम जान रहे हैं कि सर मिस्टर पॉल का आप लेजर बनाइएगा। हम बोले हाँ। प्रोडक्ट मेथड में क्या इंटरेस्ट मेथड से फॉर्मेट में कुछ डिफरेंस है? हम बोले नहीं, फॉर्मेट वही है, बस प्रोडक्ट जहां इंटरेस्ट लिखते थे वहां क्या लिख रहे हैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट और प्रोडक्ट कैसे निकलता है? सर डेज इनटू अमाउंट लिखने से प्रोडक्ट। हम बोले हाँ। हम लोग कैसे बनाते हैं? हम लोग सर पहले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद ड्यू डेट, डेज और प्रोडक्ट निकालते हैं। हम बोले हाँ, हम लोग वैसे ही करेंगे। चलिए पहले यहां तक फॉर्मेट बनाइए। चलिए सवाल को पढ़ते हैं, उसके बाद जो ट्रांजेक्शन जहां का रहेगा वहां लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को जर्नल एंट्री अच्छा से आता है। तो सर हर ट्रांजेक्शन को पढ़ेंगे, एंट्री बोलेंगे, उसके बाद जिस भी एंट्री में पॉल का नाम आएगा उसके हिसाब से डेबिट क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। हम बोले चलो शुरू करें। सबसे पहला June 11, 2016। हम बोले सर डेट चल रहा है 2016, अकाउंट कब तक का है? 31st अगस्त। बोले ठीक। पहला June 11, गुड सेंड टू मिस्टर पॉल 1020 रुपया।
मिस्टर पॉल को गुड्स भेजे, मतलब बेच रहे हैं, यहाँ गलती से सेंट लिखा है, सोल्ड होना चाहिए था, क्या एंट्री करोगे? सर मिस्टर पॉल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, पॉल डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड। टू सेल्स पैसा 1020। सेकेंड, कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर पॉल जून 15, कैश मिला, क्या एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर पॉल, सर मिस्टर पॉल क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड लिखो। बाय कैश कितना रुपया मिला है? सर 500। गुड। नेक्स्ट, गुड्स सेंड टू मिस्टर पॉल, सर मिस्टर पॉल अकाउंट डेबिट टू सेल, तो डेबिट हुआ है, टू सेल्स, डेट है 20 जून, जून 20, कितना रुपया? 650। फिर लिखा है जुलाई 7, फिर से भेजे हैं, फिर से सामान बेच रहे हैं, सर टू सेल्स, कितना? 700। उसके बाद 8 अगस्त कैश रिसीव, बोलो एंट्री क्या होगा 8 अगस्त को? सर कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर पॉल, मिस्टर पॉल क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड। बाय कैश कितना? 1100। खत्म। इतना ही ट्रांजैक्शन था। अब हम लोग क्या करते हैं? सर अब हम लोग ड्यू डेट लिखते हैं, डेज लिखते हैं, और जब डेज लिख लेंगे तो क्या प्रोडक्ट निकाल पाएंगे? हम बोले हाँ, अमाउंट इनटू डेज। सर याद कराइए तो ड्यू डेट का क्या नियम था? ड्यू डेट का नियम था कि क्वेश्चन बताएगा, और अगर नहीं बताएगा तो जो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है वही ड्यू डेट है। हम बोले ठीक, तो किसी भी ट्रांजेक्शन का ड्यू डेट क्वेश्चन नहीं बताया है तो सर जो ट्रांजेक्शन का डेट है वही इसका ड्यू डेट लिख दीजिए। हम बोले ठीक, जून 11, जून 20, और सॉरी यह है जुलाई, जुलाई 7, इसका जून 15, अगस्त 8 लिख दीजिए। बोले ठीक, डेज निकालो, डेज का नियम याद दिलाइए सर। पहला, सर अगर ओपनिंग बैलेंस रहेगा तो ओपनिंग बैलेंस का डेट से लेकर के जिस दिन तक का अकाउंट करंट बन रहा है उस दिन तक आपको डेज काउंट करना पड़ेगा इंक्लूडिंग दी ओपनिंग डेट। हम बोले हाँ। और अगर ड्यू डेट बताएगा क्वेश्चन तो ड्यू डेट के बाद अगले दिन से, ड्यू डेट नहीं लेना है, ड्यू डेट के अगले दिन से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग। कब तक? जिस दिन तक का अकाउंट करंट बन रहा है। क्या इस क्वेश्चन में कोई ओपनिंग बैलेंस है? हम बोले नहीं। तो सर जैसे पहला के ड्यू डेट क्या है? 11 जून, तो सर हमको 11 जून के बाद मतलब 12 जून से दिन काउंट करना शुरू करना है। कब तक? सर जिस दिन के लिए बना रहे हैं, 31 अगस्त तक। हम बोले हाँ। तो सर 11 जून से 31 अगस्त तक दिन कैसे काउंट करते हैं? हम बोले आओ सिखाएं। जून, जुलाई, अगस्त, हम बस एक सिखा रहे हैं, बाकी आ जाएगा। कब से काउंट करना है? जून 11 के बाद। तो जून में कितना दिन बचा? 19, 30 का होता है तो सर 11 के बाद गिनना है तो 19 दिन। जुलाई कितने का? 31। अगस्त कितने का? 31। चलो प्लस करो सर, 31 प्लस 31 62 प्लस 19 कितना आएगा? सर 81 डेज। तो यहां कितना लिखेंगे? 81। अब इस 81 को 1020 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? प्रोडक्ट। सो सिंपल। हम बोले चलो मल्टीप्लाई करो, 8 2 6 2 0। नेक्स्ट, 20 जून से 31 मार्च, 20 जून को छोड़ना है। हम बोले हाँ, कोई ओपनिंग डेट नहीं है, सबका ड्यू डेट है। तो हम बोले सर 20 जून से 31 अगस्त तक काउंट करेंगे तो जून का 10 दिन, जुलाई का 31, अगस्त का 31, कितना आएगा? हम बोले 72। लिखो 72, मल्टीप्लाई अमाउंट इनटू डेज। हम बोले 650 इनटू 72, 46,800। नेक्स्ट, 7 जुलाई से 31 अगस्त, तो सर जून तो है नहीं, जुलाई में कितना दिन? हम बोले जुलाई में 24 प्लस 31 कितना होगा? 55 दिन। तो 55, 700 इंटू 35 कितना आएगा? 38,500।
जैसे यहां किए वैसे वहां भी करेंगे। 15 जून से लेकर के 31 तक कितना आएगा, 77 डेज मल्टीप्लाई 38,500। नेक्स्ट 8 अगस्त से 23 डेज कितना, 25,300। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सर बैलेंस करिए, हम बोले हां सबसे पहले प्रोडक्ट का बात करेंगे कि हां सर पहले प्रोडक्ट का बात करिए, जोड़ो प्रोडक्ट पे। ग्रेटर है डेबिट साइड, जोड़ के कितना आएगा, 167,920। इसमें से माइनस करो जो बचेगा उसका डेट, जिस दिन बना रहे हैं उस दिन के लिए, 31 अगस्त तक बनाना है करेंट अकाउंट तो 31 अगस्त का डेट लिखे, और क्या लिखेंगे, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। इसमें से इन दोनों को माइनस कर दीजिए, 104,120। ये जो बैलेंस निकला है इसी पे इंटरेस्ट देना है। अगस्त 31 इंटरेस्ट कब देंगे, आखिरी दिन जिस दिन का बुक बना रहे, टू इंटरेस्ट। कैसे देंगे याद करो, 12th में भी पढ़े हैं दोस्त, कोई हार्ड बात थोड़ी सिखा रहे हैं, वहां भी आ जाने थे प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। वहां पर मंथ होता था और अगर डेज होता था तो वहां भी 1/365। यहां तो डेज में है, क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट, हम बोले सर 104,120 इंटू रेट 10% इंटू 1/365। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटरेस्ट अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे 28.53। अब जोड़ेंगे इसको भी, आओ जोड़ो सर, 2398.53। इसमें से माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो क्या है, बैलेंस सीडी, डेट क्या, वही अगस्त 31। बैलेंस सीडी माइनस कीजिए, 798.53। बस यही है। क्या ये मेथड हार्ड है, हम बोले नहीं सर, क्लास 12th चल रहा है सर, 11th में हम लोग सिंगल एंट्री में लेजर सीखे थे डेटर क्रेडिटर का, और क्लास 12th में प्रोडक्ट सीखे थे इंटरेस्ट निकालने का, इन दोनों को कॉम्बाइन करके हम लोग को एक चैप्टर दे दिया। लिखिए क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर मेड एन अकाउंट करेंट टू बी रेंडर्ड बाय एस दास गुप्ता टू ए हल्दा। रेंडर्ड बाय एस दास गुप्ता मतलब एस दास गुप्ता बनाएगा, तो इन द बुक्स ऑफ एस दास गुप्ता बनेगा, किसका बनाना है, ए हल्दार। तो सर ए हल्दार का अकाउंट खोलना है आपको, हम बोले बिल्कुल, एट 31 दिसंबर। करेंट अकाउंट कब तक का बनाना है, 31 दिसंबर का। इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम, 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, हम बोले ठीक। 2016 फिर बहुत सारा ट्रांजेक्शन बताया है, तो जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे सर हम लोग, हम बोले बिल्कुल। इलस्ट्रेशन नंबर 3, किसके बुक बनाना है, एस दास गुप्ता, तो सर इन द बुक्स ऑफ एस दास गुप्ता, किसका बुक, हम बोले सर ए हल्दार। इन अकाउंट करेंट विथ एस दास गुप्ता, इंटरेस्ट कब तक के लिए, 31 दिसंबर 2016 एट द रेट 5% पर बन गया। चलो शुरू करें, ट्रांजेक्शन्स को पढ़ें, 2016 का बनाना है। जून 30 पहला बैलेंस, लो बता दिया क्या लिखा है, बैलेंस ओइंग बाय ए हल्दार, मतलब ए हल्दार से लेना है, तो सर मेरे लिए एसेट्स है, टू बैलेंस बीडी, कितना अमाउंट, 520 रुपए, ये ओपनिंग बैलेंस है। अगला गुड्स सोल्ड,
17 तारीख, बोलो क्या एंट्री करोगे? जुलाई 17, सामान बेचे किसको? ए हलदार को। सर ए हलदार अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में लिखो टू सेल्स कितने रुपए का? 40। अगस्त 1 कैश रिसीव्ड फ्रॉम ए हलदार, क्या एंट्री? सर कैश अकाउंट डेबिट टू ए हलदार, तो ए हलदार क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड लिखो अगस्त 1 बाय कैश, अमाउंट है 500। ओके नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड टू ए हलदार 19 अगस्त को फिर सामान बेचे, बोलो क्या एंट्री? ए हलदार टू सेल्स, तो सर डेबिट हुआ ए हलदार तो डेबिट साइड लिखिए नाम किसका? टू सेल्स, 720 रुपए। 30 तारीख अगस्त को फिर बेचे, सर ए हलदार टू सेल्स, तो सर ए हलदार डेबिट हुआ तो डेबिट साइड में लिख रहे हैं, लेजर का नॉलेज तो है हम लोग को, कितने का? 50 रुपए। फिर सितंबर 1 कैश मिला, क्या एंट्री करें बोलो? सर कैश अकाउंट डेबिट टू ए हलदार, ए हलदार क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में लिखिए बाय कैश, कितना रुपया मिला? 400, तो 400 लिख दिए। नेक्स्ट, ए हलदार एक्सेप्टेड दास गुप्ता बिल एट 3 मंथ डेट, 300 रुपया। ए हलदार एक बिल एक्सेप्ट किया है तो हम बोल रहे हैं सर इसका मतलब है वो बिल एक्सेप्ट किया है तो हम बिल ड्रॉ किए होंगे, वो एक्सेप्ट करके हमको दिया होगा बिल ऑफ एक्सचेंज की। हां सर, जो एक्सेप्ट करता है वो तो ड्रॉ ही होता है, तो जो दास गुप्ता है वो कौन है? ड्रॉवर। एंट्री क्या? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए हलदार, ए हलदार क्रेडिट हुआ सर। डेट सितंबर 1, क्या लिखेंगे सर? बाय बिल्स रिसीवेबल बाय बीआर, कितने रुपए का? 300, 3 महीना का। हम बोले ठीक, इसका ड्यू डेट बताया 3 महीना का, बाकी सबका ड्यू डेट नहीं बताया। 22 अक्टूबर गुड्स बाउट फ्रॉम ए हलदार, ए हलदार सामान खरीदे तो सर परचेज अकाउंट डेबिट टू ए हलदार। हम बोले ठीक, डेट है अक्टूबर 22, क्या लिखेंगे सर? बाय परचेज। एंट्री देखिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए हलदार, तो ए हलदार क्रेडिट हुआ, क्रेडिट साइड में लिखें कितने रुपए का सामान? 20। सोल्ड गुड्स टू ए हलदार, ए हलदार को सामान बेचे, सर डेबिट साइड लिखिए, ए हलदार अकाउंट डेबिट टू सेल्स नवंबर 12, टू सेल्स कितने रुपए का? 14। कैश रिसीव फ्रॉम ए हलदार दिसंबर 14, कैश अकाउंट डेबिट टू ए हलदार, ए हलदार क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में लिखिए कितने रुपए का? 50। सिर्फ बिल्स रिसीवेबल का डेट बताया है, बाकी का डेट नहीं पता, तो सर बाकी का वही लिखिए। हम बोले हां, ड्यू डेट लिख रहे हैं दोस्त, ड्यू डेट तो लिखने आता ही हम लोग को। बिल्स रिसीवेबल कितना है? 3 महीना। बिल ऑफ एक्सचेंज ध्यान रखना 1 सितंबर से 3 महीना, सर 1 अक्टूबर 1 नवंबर 1 दिसंबर, क्या 3 दिन और मिलता है बिल ऑफ एक्सचेंज में? हम बोले हां सर, तो 1 दिसंबर प्लस 3 दिन 4 दिसंबर। समझ रहे होंगे बात कि हां सर बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ने के बाद पढ़ा रहे हैं चैप्टर को, कि सर बिल का डेट है 3 महीना और बिल एक्सचेंज में क्या 3 दिन ग्रेस मिलता है? हम बोले हां, जो ग्रेस का 3 दिन है वो जोड़ेंगे तभी तो ड्यू डेट बनेगा। हमारे ड्यू डेट आ गया 4 दिसंबर। अगला अक्टूबर 22, दिसंबर 14, अब क्या निकालना है? डेज, डेज निकल जाएगा तो क्या प्रोडक्ट निकल जाएगा? हाँ, मल्टीप्लाई करेंगे निकल जाएंगे। चलो ओपनिंग वाला पहला क्या है बाबू? ओपनिंग याद है, ओपनिंग क्या सीखे थे कि सर ओपनिंग बैलेंस वाले में अगर वो डेज निकालना हो तो ओपनिंग का जो डेट होगा उसको भी इंक्लूड कीजिएगा टू, कहां तक? हम बोले सर वहां तक जहां तक के लिए अकाउंट करंट बन रहा है, अकाउंट करंट बन रहा है 31 दिसंबर, तो सर 30 जून से लेके 31 दिसंबर इंक्लूडिंग 30 जून। हम बोले हां, लेकिन बाकी ट्रांजेक्शन वालों में उसमें सर ड्यू डेट को छोड़ दिया जाता है, उसके बाद काउंट किया जाता है। हम बोले हां चलो,
तो सर 30 जून से लेके 31 दिसंबर इंक्लूडिंग 30 जून, तो 30 जून का एक दिन हम बोले हाँ, जुलाई का 31, अगस्त का 31, सितंबर का 30, अक्टूबर का 31, नवंबर का 30, दिसंबर का 31, हम बोले चलो सारा दिन मिला है कितना 185, मल्टीप्लाई कीजिए सर 96,200। नेक्स्ट जुलाई 17, क्या जुलाई 17 लेंगे, हम बोले नहीं ये थोड़ी लेंगे, ये तो ड्यू डेट है इसके बाद, मतलब 18 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर तक, हम बोले हाँ 167 डेज, मल्टीप्लाई कीजिए 167 इंटू 40 सर 6680। नेक्स्ट 19 अगस्त से लेकर के 31 दिसंबर तक, 19 अगस्त छोड़ देंगे, कितना आएगा 134 डेज, कितना पैसा 96480। अगला कितना दिन 123 दिन 6150। नेक्स्ट 49 डेज कितना 686। उसी तरह वहां भी निकालेंगे सर 1 अगस्त के बाद से, मतलब 2 अगस्त से लेकर के 31 दिसंबर तक, हम बोले चलो जोड़ो और बताओ 152 दिन पैसा 76,000। नेक्स्ट 121 दिन पैसा 48,400, 27 डेज 8,100, नेक्स्ट 70 डेज 1,400, नेक्स्ट 17 डेज 850। सारा ट्रांजेक्शन लिख लिया, अब क्या करेंगे सर प्रोडक्ट का बैलेंस कीजिए, बोले चलो कौन सा साइड बड़ा है क्रेडिट या डेबिट, डेबिट साइड जोड़ो 206196, क्या डेट लिखेंगे बैलेंस का सर, जब अकाउंट करंट कब के लिए बन रहा है, बोले 31 दिसंबर, 31 दिसंबर लिखिए बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट 206196 में सबको माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा 71,446। अब क्या होगा, ये जो बैलेंस निकले क्या करें इसका सर, इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, बैलेंस क्रेडिट में आया है तो इंटरेस्ट कहां लिखेंगे डेबिट में, और सर अगर कभी बैलेंस डेबिट में आता तो इंटरेस्ट कहां लिखते हैं हम, क्रेडिट में, ये सब डिस्कशन हो चुका है फर्स्ट क्लास जो पढ़े थे उसमें। टू इंटरेस्ट क्या डेट लिखेंगे सर, दिसंबर 31 निकालो सर 71,446, कितना रेट 5% इंटू 1/360 सर, आइए सॉल्व करें सर 9.79 जोड़ो और क्या निकल जाएगा बैलेंस सीडी ऑफ अमाउंट, ये जो इंटरेस्ट निकाले वो कहां लिखते हैं अमाउंट के कॉलम में, दिसंबर 31, चलिए जोड़ा जाए 1353.79 माइनस बचेगा सर 83.79। ये क्या कंप्लीट हुआ, इलस्ट्रेशन नंबर 3 लिखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 4 From the following, prepare an account current as sent by A to B. A भेज रहा है B को account current, तो जाहिर सा बात है A बनाने वाला कि सर in the books of A बनेगा, और किसका account बनाना है B का, तो सर B in A in account current with A, हम बोले हाँ कब तक का 30 जून 2016 by means of product method, product method बनाने बोला भी है, charging interest 6% per annum, इंटरेस्ट का रेट 6%। चलिए सबसे पहले फॉर्मेट बनाए, इन द बुक्स ऑफ ए कौन बना रहा है, ए किसका अकाउंट बना रहा है सर, बी का, तो बी इन ए अकाउंट करेंट विथ ए, इंटरेस्ट कब तक देना है सर, बनाना है 30 जून, तो 30 जून 2016 इंटरेस्ट का रेट 6% पर एनम। चलो शुरू किया जाए,
पहला बैलेंस ड्यू फ्रॉम बी, लो बैलेंस बताया है जनवरी एक का, बी से लेना है तो सर मेरे लिए एसेट सेट टू बैलेंस बी डी डेबिट साइड लिखिए कितना रुपया 600। अगला पढ़ो सोल्ड गुड्स, सामान बेचे क्या एंट्री, सर बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बी डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड लिख दिए। डेट कितना जनवरी 11, कितने रुपए का सेल है 520। उसके बाद जनवरी 18 बी रिटर्न गुड्स, बी वापस किया सामान जो बेचे थे, क्या एंट्री होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बी, तो सर बी क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड लिखो। जनवरी 18 बाय सेल्स रिटर्न, कितने रुपए का सेल्स रिटर्न है 125 रुपए। नेक्स्ट बी पेड बाय चेक फरवरी 11, बी पेमेंट किया क्या एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, तो सर बी क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड लिख दिए। कितना पैसा 400, तो 400। नेक्स्ट फरवरी 14 बी एक्सेप्टेड ए बिल, बी एक बिल एक्सेप्ट किया मतलब ए ड्रॉ किया है तो ए तो लिखने का एंट्री किया होगा, क्या एंट्री बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, सर बी क्रेडिट होगा। कितने तारीख को, सर ये है फरवरी 14 बाय बिल्स रिसीवेबल, कितना टाइम है एक मंथ का 300 रुपया। बाकी ट्रांजेक्शन का ड्यू डेट नहीं बताया है लेकिन बिल रिसीवेबल का जो बिल इश्यू हुआ है उसका डेट तो बताया है एक महीना, क्या उसमें ग्रेस जोड़ेंगे 3 दिन का, बिल्कुल जोड़ेंगे। 29 अप्रैल को सोल्ड गुड्स टू बी, सर बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बी डेबिट हुआ है, तारीख क्या है अप्रैल 29 टू सेल्स, कितने रुपए का 615। नेक्स्ट रिसीव कैश 15 मई को, 15 मई को पैसा मिला क्या एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू बी, तो सर बी क्रेडिट हुआ तो बाय कैश। कितना अमाउंट 700। सारा काम खत्म, इतना ही क्वेश्चन था। अब क्या करना सर, वही ड्यू डेट डे प्रोडक्ट, हम बोले आओ पहले ड्यू डेट भरे, इसका क्या लिखे हम बोले सर जनवरी 1, इसका क्या लिखे जनवरी 11, इसका अप्रैल 29, बोले ओके जनवरी 18 फरवरी 11, इसका क्या लिखे सर पहले एक महीना बढ़ाइए, एक महीना का ड्यू डेट है तो 14 फरवरी से एक महीना 14 मार्च 3 दिन और 17 मार्च, मार्च 17 मई 15। अब डेज निकालना है, कैसे निकालते थे सर ओपनिंग बैलेंस के केस में, ओपनिंग बैलेंस इंक्लूड करेंगे ओपनिंग बैलेंस का डेट से लेकर के जब तक के लिए अकाउंट करंट बना रहे हैं तब तक के लिए, हम बोले हाँ 1 जनवरी था ओपनिंग डेट, सर 1 जनवरी इंक्लूड कर लेंगे कब तक 30 जून तक, तो 1 जनवरी से 30 जून 31 दिन जनवरी में, 28 दिन फरवरी में, 2016 चल रहा है तो 29 दिन फरवरी में, मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 दिन, जून में 30 दिन, बोले आओ जोड़ो कितना होगा 182 डेज, मल्टीप्लाई कर दो सर ये हो जाएगा 109200। उसके बाद 11 जनवरी से लेकर के 30 जून, क्या उसमें 11 जून आएगा, हम बोले नहीं सर 11 जून के बाद से लेना है आपको, हम बोले ठीक। नंबर ऑफ डेज बताइए कितना 171, मल्टीप्लाई कर लीजिए अमाउंट इनटू डेज, सर ये आएगा 88920। 29 अप्रैल से बाद कि सर इसके बाद लेंगे मतलब 30 अप्रैल से कब तक 30 जून तक 62 डेज, पैसा मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट को 38130। अब चलते हैं क्रेडिट साइड में, 18 जनवरी के बाद 19 जनवरी से लेकर के 30 जून तक कितना दिन 164 मल्टीप्लाई करेंगे 20,500, 11 फरवरी के बाद मतलब 12 फरवरी से लेकर के 30 जून तक कितना सर 140 56,000,
17 मार्च के बाद 18 मार्च से लेकर 30 जून तक कितना? सर 105 दिन, 31,500। 15 मई के बाद 16 मई से लेकर 30 जून तक सर 46 डेज, कितना? 32,200। सारा काम खत्म, चलिए सर प्रोडक्ट को बैलेंस करें। हम बोले आओ प्रोडक्ट को बैलेंस करें, डेबिट साइड का अमाउंट अधिक है, आओ जोड़े, ये जोड़ के आएगा 2,36,250। माइनस करेंगे और क्या निकाल लेंगे, और डेट लिखेंगे किसका, 30 जून, जिस दिन का बना रहे अकाउंट करेंट उस दिन का, बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। दो लाख 36,250 में माइनस कीजिए 96,050 रुपीज। इस बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट पे क्या मिलना है, इंटरेस्ट जून 30। कितना परसेंट? 6%, 1/365। आइए निकाले 1/365, 15.75 रुपया। चलिए अमाउंट का कॉलम जोड़े और निकाले बैलेंस सीडी। जून 30 जोड़ो 1750.75, माइनस, इन सबको माइनस कीजिए, कितना बचेगा, 225 रुपया 75 पैसा। ये क्या खत्म हुआ, इलस्ट्रेशन नंबर 4 लिखिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर ए अकाउंट करेंट एज सेंट बाय मिस्टर राम टू मिस्टर शिवा। मिस्टर राम भेज रहा है तो सर बनाने वाला मिस्टर राम, तो इन दी बुक्स ऑफ मिस्टर राम किसका अकाउंट बनाना है, मिस्टर शिवा का, एज ऑन 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 2016 तक बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड से बनाना है, चार्जिंग इंटरेस्ट 5%। चलो पहले फॉर्मेट लिखे, किसके बुक में बना रहे हैं सर, मिस्टर राम, तो लिखो किसका बना रहे हैं, हम बोले सर मिस्टर शिवा, तो मिस्टर शिवा इन अकाउंट करेंट विथ मिस्टर राम। इंटरेस्ट का रेट 5%, कब तक बनाना है, 31 अक्टूबर 2016 तक। चलो ट्रांजेक्शन पढ़े, बैलेंस ड्यू फ्रॉम शिवा, शिवा से लेना है तो सर एसेट से, कब का डेट, July 1। टू बैलेंस बीडी, कितना अमाउंट, 750। 15 अगस्त को सामान बेचे, अगस्त 15 टू सेल्स, क्या एंट्री लिखे होंगे, शिवा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सर शिवा डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में लिखिए, कितना 1250। नेक्स्ट गुड्स रिटर्न बाय शिवा, तो सर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शिवा, शिवा क्रेडिट हुआ है, कब रिटर्न किया है, अगस्त 20 बाय सेल्स रिटर्न, अमाउंट 200। 22 सितंबर शिवा पेड बाय चेक, तो सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शिवा, 22 सितंबर बाय बैंक, कितना, 800। नेक्स्ट रिसीव कैश October 15, कैश मिला तो सर कैश अकाउंट डेबिट टू शिवा, शिवा क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड में, अमाउंट 500। सारा बात लिख ली, अब क्या करना है सर, वही ड्यू डेट डेज प्रोडक्ट, चलो लिखो,
क्योंकि किसी का ड्यू डेट नहीं बताया है, तो जो ट्रांजेक्शन का डेट है वही ड्यू डेट है। अब डेज सर, ओपनिंग बैलेंस जानते हैं हम लोग, ओपनिंग बैलेंस में कैसे निकालेंगे सर? ओपनिंग बैलेंस को इंक्लूड करेंगे और जहां तक बना रहे हैं वहां तक का दिन काउंट कीजिए। हम लोग कहां तक का बना रहे हैं? 31 अक्टूबर, तो 1 जुलाई से लेके 31 अक्टूबर इंक्लूडिंग 1 जुलाई। हम बोले चलो कितना दिन आएगा, 123। आइए मल्टीप्लाई करें, 92,250। 15 अगस्त लेना कब से है? 16 अगस्त से, कि सर ट्रांजैक्शन के केस में अगले दिन से ड्यू डेट के बाद, तो सर 16 अगस्त से लेकर के 31 अक्टूबर तक 77 डेज। कितना अमाउंट सर? 96,250। इधर बताइए 21 अगस्त से लेके 31 अक्टूबर तक 14,400। 22 सितंबर का ड्यू डेट है सर, 23 सितंबर से लेना है 31 अक्टूबर तक 39 डेज। कितना आएगा? 31,200। 15 अक्टूबर के बाद सर 16 दिन 8,000। चलो बैलेंस करो प्रोडक्ट को, क्या डेट लिखेंगे बैलेंस का सर? 31st। जोड़ो सर 1,88,500। माइनस करेंगे 1,34,900। अब इस पे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट अक्टूबर 31st, वन लैख 34,900। कितना रेट है? 5%। और कितना? 1/365। चलो इंटरेस्ट बताओ, 18.48 रुपया, 18.48। जोड़ेंगे और क्या निकालेंगे? बैलेंस सीडी अमाउंट कॉलम का, चलो जोड़े सर 2018.48। माइनस कर देंगे 1,500 रुपये, तो सर 518.48। ये क्या बन गया हम लोग का? प्रोडक्ट मेथड से स्टडी मटेरियल में जितने भी क्वेश्चन थे सारे सॉल्व हो गए, और काफी सिंपल है कि हाँ सर दो मेथड पढ़ लिए, एक इंटरेस्ट मेथड जिसमें हर ट्रांजेक्शन का इंडिविजुअल इंटरेस्ट निकालते थे, हम बोले हाँ। दूसरा क्या पढ़ लिए आज हम लोग? प्रोडक्ट मेथड, कि सर प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, डेज और अमाउंट को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालते हैं, उसके बाद उसको बैलेंस करते हैं, उस बैलेंस पे इंटरेस्ट या तो देना होता है या लेना होता है। तो हम बोले सर ले रहे होते तो इधर और देना होता तो इधर, इधर इंटरेस्ट अभी तक नहीं आया, लेकिन हम लोग कोई बड़ा बात नहीं है सर, अगर बैलेंस कभी इधर गिरेगा तो इंटरेस्ट इधर लिख देंगे, उसमें क्या लगा हुआ, बात समझते हैं। लिखिए